सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के खिलाफ दायर 200 से अधिक याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग को लेकर भी याचिकाएं दायर की गई हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंचूड़, न्यायमूर्ति JB परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। CAA को भारत की संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था। यह कानून व्यापक बहस और विरोध का विषय भी रहा है। CAA 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है। यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय से आने वाले उन प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रस्तुत करता है जो अपने संबंधित देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार है और 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले हफ्ते वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष IUML की याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव नजदीक है। CAA संसद से पारित होने वाले 4 साल बाद इसके नियमों को ऐसे समय अधिसूचित करना सरकार की मंशा को संदिग्ध बनाता है। कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा कि CAA धर्म के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है। उन्होंने यह तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया, NGO रिहाई मंच और सिटीजंस अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट्स एसोसिएशन और कुछ कानून के छात्र भी इसमें शामिल हैं। IUML असम के कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया, असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने CAA नियम 2024 को चुनौती दी है जिसके माध्यम से CAA को लागू किया गया है। केरल सरकार पहली राज्य सरकार थी जिसने 2020 में CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि यह भारतीय संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार के प्रावधानों के खिलाफ है। राज्य के CAA नियमों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक और मामला भी दायर किया गया। खबरी चौखट की रिपोर्ट।